दोस्तों, पहले T20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और अर्शदीप सिंह ने किया कमाल, रच दिया एक नया इतिहास साउथ अफ्रीका टीम के उड़ाए पर खच्चे। स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल माही स्पोर्ट्स न्यूज में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मुकाबला खेला गया, जहां दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। दोस्तों, भारतीय टीम के इस शानदार जीत से अगर आप भी खुश हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, भारत ने साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। त्रिवेंद्रपुरम में खेले गए इस मैच में अफ्रीकी टीम ने भारत के सामने 107 रनों का साधारण सा लक्ष्य रखा था, जिसमें भारतीय टीम ने 8 विकेट से जीत कर इस मैच को अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से सूर्य कुमार यादव 50 रन और KL राहुल ने 51 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इससे पहले अर्शदीप सिंह के 3 विकेट और हर्षल पटेल व दीपक चाहर के 2-2 विकेटों के दम पर भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को निर्धारित 20 ओवरों में 106 रन 8 विकेट पर सीमित रखा। पहले 3 ओवर में ही भारतीय गेंदबाजों ने अफ्रीकी टीम के शुरुआती 5 बल्लेबाजों को डगआउट का रास्ता दिखा दिया था। रविचंद्र अश्विन ने अपने 4 ओवरों में महज 8 रन देकर अफ्रीकी टीम को मध्य क्रम में भी रन बनाने से रोके रखा। केशव महाराज ने सर्वाधिक 35 गेंदों पर 41 रन बनाए, एडन मक्रम ने 24 गेंदों पर 25 रन और वेन वार्नेल के बल्ले से 37 गेंदों पर 24 रन आए।